हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ गौरव एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर का नाम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का होमवर्क किसने बनाया। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को स्टडी करना। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले डिस्कस इन क्लास। डू यू लाइक होमवर्क, क्या तुम होमवर्क पसंद करते हो। डू यू डू इट योर सेल्फ, क्या तुम इसे खुद से करते हो। और डू यू गेट हेल्प, क्या या फिर तुम किसी की सहायता लेते हो। व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव, किस तरह का होमवर्क तुम लोगों को सामान्यतः मिलता है। तो ये पैट्रिक की कहानी है जिसमें पैट्रिक के बारे में हम जानेंगे कि ये होमवर्क खुद से बनाता है या फिर किसी से बनवाता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए जानते हैं हु डिड पैट्रिक होमवर्क, पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, टू बोर्डिंग ही सेड ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टीड हिज टीचर्स टोल्ड हिम पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग एंड इट्स ट्रू। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एंड ignoramus, but what could he do? He hated homework. Nintendo का मतलब होता है एक वीडियो गेम है, ignoramus का मतलब होता है an ignorant person who lacks education. एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा लापरवाह व्यक्ति जिसके पास एजुकेशन, शिक्षा नहीं होता है। तो पैट्रिक क्या करता है कि अपना होमवर्क कभी नहीं बनाता था। वो कहता था कि ये बहुत बोरिंग है। वो हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था, निंटेंडो खेलता था। पढ़ने के बजाय वो यही सब करता था, होमवर्क बनाने के बजाय। उसके टीचर हमेशा कहते थे, पैट्रिक तुम या तो पढ़ाई करो और नहीं तो तुम कुछ नहीं सीख पाओगे। और ये सही बात थी। समटाइम्स उसे भी कभी कभी जो इग्नोरेमस की तरफ फील होता था, ठीक है, कभी कभी वो भी सोचता था कि हम लापरवाह है। बट व्हाट कुड ही डू, वो कुछ नहीं, लेकिन वो क्या कर सकता था। उसे पढ़ाई अच्छी नहीं लगती थी, ही हेटेड होमवर्क, वो होमवर्क पसंद ही नहीं करता था, वो होमवर्क से बहुत घृणा करता था। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल। तब एक दिन क्या हुआ कि वो अपने कैट को देखा कि वो एक लिटिल डॉल के साथ, एक छोटी गुड़िया के साथ खेल रहा है। एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, और जो गुड़िया है, कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल, उसका जो है एक छोटी सी गुड़िया से है। एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, और जो उसको पकड़ रखी है, बिल्ली जो है उसको पकड़ रखा है। किसको, उस छोटे से गुड़िया। टू हिज सरप्राइज इट वॉजेंट अ डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, तो उसको छीन करके हटा दिया वो। और सरप्राइज की बात ये थी कि ये एक डॉल था नहीं, ये एक गुड़िया थी नहीं, क्या था ये एट ऑल, बट अ मैन ऑफ द टाइनीस्ट साइज, एक छोटा सा, एक बहुत ही छोटा सा व्यक्ति था। ही हैड अ लिटिल वुल शर्ट विथ ओल्ड फैशन ब्रिचेज, उसके पास एक लिटिल ऊनी कपड़ा था, छोटा सा एक ऊनी कपड़ा था, और एक विथ फैशन ब्रीचेस, ब्रीचेस का मतलब हो गया छोटा सा ट्राउजर्स, शॉर्ट ट्राउजर्स, फॉर फन टू राइम विद द वर्ड ब्रीचेस। सो वो उसके पास एक छोटा सा ट्राउजर था, एक हैट लगाया हुआ था सिर पे, ऐसा जैसा कि एक जादूगर के पास होता है। ही येल्ड सेव मी, वो चिल्लाया, बचाओ, डोंट गिव मी बैक टू डैट कैट, आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रॉमिस यू डैट। वो कहता है कि तुम मुझे इस बिल्ली से बचा दो, पैट्रिक को कहता है कि तुम इसे बिल्ली से बचा दो, मुझे इस बिल्ली के पास दोबारा मत भेजो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें मैं एक वरदान दूंगा। पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लक्की ही वॉज, वो विश्वास नहीं कर सकता था, पैट्रिक को विश्वास नहीं हुआ कि वो इतना लक्की है। हियर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, तो अब तो उसको वरदान मिलने वाला है, तो वो काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि उसके सारे प्रॉब्लम का आंसर यहाँ मिलने वाला है उसको। सो ही सेड, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, ठीक है, मैं तुम्हें वापस बिल्ली के पास बना ही भेजूंगा, अगर तुम मेरे सारे होमवर्क अंतिम सेमेस्टर तक तुम बना दोगे तो मैं तुम्हें वापस नहीं भेजूंगा। डेट्स 35 days, वो है 35 दिनों तक, 35 दिन बचे हैं उस समय तक तुम मेरे होमवर्क करो। इफ़ यू डू अ गुड एनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज, अगर तुम थोड़ा सा अच्छा काम कर लोगे मेरे लिए तो मुझे A+ marks भी मिल जाएगा, यानी ए मतलब ग्रेड ए भी आ जाएगा। द लिटिल मैन फेस रिंकल्ड लाइक अ डिशक्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर, जो लिटिल मैन जो था, जो छोटा व्यक्ति था, उसका जो चेहरा था वो बड़ी झुड़ियों से भरा हुआ था, उसके चेहरे पर झुरियाँ थी, ऐसा कि जैसे कि कोई कपड़े वगैरह निकाल करके फेंक दिया हो। Used for washing dishes, ऐसे कपड़े जो कि बर्तन वगैरह धोने में यूज़ होते हैं, उस तरह से उसके चेहरे पर झुरियाँ लगी थी। Thrown in the hamper, और वो जो किसी ऐसे कपड़े जो कि बर्तन वगैरह मांजने में किसी टोकरी में फेंके हुए, उस तरह से उसके चेहरे पर झुरियाँ पड़े हुए थे। He kicked his legs and doubled his fist, उसने क्या किया कि अपने पैर से किक मारा, है ना, लात चलाया,
और फिर अपनी मुट्ठियों को डबल कर लिया, यानी कि फोल्ड कर लिया। एंड ही ग्रिमेस्ड एंड स्कोल्ड एंड परसुड हिज लिप्स। ये ग्रिमेस्ड का मतलब होता है स्काउल्ड, परसुड के लिप्स का मतलब हो गया कि अपने मुंह को चमकाया, ओठ को थोड़ा सिकोड़ा, है ना। और ये सब एक्सप्रेशन एक्चुअली एंगर एंड डिसअप्रूवल। तो वो पहले क्या किया, जब ये सुना कि हमको होमवर्क बनाना पड़ेगा, तो वो सोचा कि बहुत सारा वो एक्सप्रेशन दिखाया, जैसे कि वो नहीं करना चाह रहा हो इस चीज़ को। ओ आई एम कर्स्ड बट आई विल डू इट, अरे यार मैं तो बर्बाद हो गया। वो कहता है पैट्रिक का जो वो जादूगर था, जो छोटा सा व्यक्ति था, छोटा बौने प्राणी का व्यक्ति था, वो कहा कि मैं तो भाई बर्बाद हो गया, लेकिन फिर भी मुझे करना पड़ेगा। यानी कि उसको करने का मन नहीं था, लेकिन अब प्रॉमिस किया था तो उसको करना पड़ेगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड डैट लिटिल हेल्प बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। और सच में जैसा उसने कहा वैसे ही वो पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर दिया। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, एक छोटा सा प्रॉब्लम था उसके, सिर्फ एक प्रॉब्लम था उस छोटे से बौने प्राणी के साथ। द एल्फ डिडेंट ऑलवेज नो वॉट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। वो हमेशा नहीं जानता था कि उसे क्या करना है, और इसलिए उसे ज़रूरत पड़ती थी उसकी हेल्प की। हेल्प मी, बचाओ, सॉरी सहायता करो, मेरी सहायता करो, ही वुड से, वो कहता था। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, और पैट्रिक को उसकी हेल्प करना पड़ता था इन वॉट एवर वे, जैसे भी करे उसे करना पड़ता था। आई डोंट नो दिस वर्ड, मुझे ये वर्ड पता नहीं है, ये सब पता नहीं है। द एल्फ इज क्विक वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, जब रीडिंग कर रहा था पैट्रिक का होमवर्क, वो बना रहा था, तो उसे मैं वो चीखा और कहा कि मुझे ये पता नहीं है, तो मुझे बताओ। गेट मी अ डिक्शनरी, मुझे डिक्शनरी दो। नो व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाई इच लेटर। एक काम करो, ज़्यादा उससे भी ज़्यादा अच्छा है कि तुम जो है ये डिक्शनरी लो, और डिक्शनरी ले करके तुम इसमें का जो वर्ड है उसको ढूंढो, और ढूंढ करके उसे लेटर बाई लेटर पढ़ के सुनाओ हमें। वेन इट केम टू मैथ्स, जब मैथ की बारी आती थी, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। पैट्रिक जो है वो बेचारा बड़ी दुर्भाग्य था उसके साथ। वॉट आर टाइम्स टेबल्स, टाइम्स टेबल्स क्या है। द सेल्फ स्ट्राइक्ड एल्फ स्ट्राइक्ड, एल्फ चिल्लाता हुआ कहता है, गिव अ सॉर्ट हाई पिच्ड क्राई, वो चिल्लाता है ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये टाइम्स टेबल्स क्या होता है। अब मैथ उसको समझ नहीं आ रहा था बेचारे एल्फ को। वी एल्फ्स नेवर नीडेड दैट, हम छोटे प्राणी को, बौने प्राणी को, तो हमें ये सब टाइम्स टेबल्स की कोई ज़रूरत ही नहीं हुई कभी। आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है, एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शंस, ये जोड़ घटाओ गुना भाग। हेयर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम मेरे बगल में बैठो और मुझे गाइड करो, मुझे बताओ कैसे करना है। हम लोगों की ये कभी ज़रूरत नहीं हुई। एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, एल्फ्स कुछ नहीं जानते हैं ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में, मानव इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानते। टू देम इट्स अ मिस्ट्री, उनके लिए एक रहस्य है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गोट लाउडर, जो लिटिल एल्फ था वो पहले से तो शाउटर था, चीखता चिल्लाता था ही, लेकिन अब वो लाउडर हो गया क्योंकि हर वो चीज़ जो वो करना चाहता था उसको आता ही नहीं था। गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स, एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू। तुम जाओ लाइब्रेरी, वहाँ से बुक्स ले आओ, और तुम मेरे को मदद करो, मुझे मदद करो, कैसे, उसको पढ़ करके। ये जो है एल्फ बताया किसको, पैट्रिक को बताया। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे डैट लिटिल एल्फ वॉज अ नैग, वास्तव में वो प्रत्येक दिन जो है, एवरी डे इन एवरी वे, हर तरह से प्रत्येक दिन जो है वो एक नैग हो गया। नैग का मतलब हो गया वन हु ट्रबल्स समवन ऑल द टाइम बाई कंप्लेनिंग और आस्किंग देम टू डू समथिंग। तो वो हर बार कंप्लेन करता था कि ऐसे करो, दूसरे की कंप्लेन करता था वैसे करो, ऑल द टाइम कंप्लेनिंग और आस्किंग देम टू डू समथिंग। और मतलब एक तरह से वो नैग कर रहा था, बार बार दूसरे को परेशान कर रहा था, जैसे कि वो पैट्रिक को ही परेशान करने लगा कि तुम मुझे ये बताओ वो बताओ, ऐसे करके डेली डेली उसका जो है ना ऐसे बढ़ते गया। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग, पैट्रिक जो है हम पहले से ज़्यादा वर्क किया, ठीक है, ज़्यादा हार्ड करता था वर्क बेचारे को, तो क्या ये वॉज डैट अ ड्रैग, ये क्या बिना मन का था, डल एंड अनइंटरेस्टिंग, ये बिल्कुल अरुचि था, मतलब उसमें कोई इंटरेस्ट था नहीं। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, वो रात भर उसके साथ बैठे रहता था। हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, कभी थका नहीं, थका हुआ महसूस नहीं किया। वॉज गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाता था विथ हिज आइज पफ्ड एंड ब्लरी,
उसके जो आँख थे वो फूले हुए थे, बेचारे के जो आई थे वो फूले हुए थे, क्यों? क्योंकि रात रात भर जगना पड़ता था बेचारे पैट्रिक को। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड, अंत में क्या हुआ कि अंत दिन आया, 35वां दिन पहुंच गया, एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो, जो है एल्फ जा सकता था क्योंकि वो प्रॉमिस किया था कि 35 दिन ही मैं तुम्हारे होमवर्क, तुम मेरे होमवर्क करो उसके बाद तुम फ्री हो जाओ। एज फॉर होमवर्क देर वॉज नो मोर, क्योंकि होमवर्क अब कुछ बचा नहीं था, सारा होमवर्क कंप्लीट था, सो ही क्वाइटली एंड स्लाइटली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, चुपके से वो पीछे वाले दरवाजे से जो वो एल्फ था वो बस भाग गया, फर्र हो गया। आगे क्या होता है, स्लाइटली स्लिप्ड आउट ऑफ द बैक डोर। नेक्स्ट, पैट्रिक गोट हिज एज, हिज क्लासमेट्स वेयर अमेस्ड, पैट्रिक को ए मिल गया यानी कि ग्रेड ए आ गया, वो फर्स्ट डिवीजन हो गया, उसके जो क्लासमेट है जो साथी है वो काफ़ी सरप्राइज हुए, आश्चर्य किए, हिज टीचर्स स्माइल्ड, उनके शिक्षक जो है वो मुस्कुराए, वेयर फुल ऑफ प्रेज, और खूब प्रशंसा की, और उनके जो जो पेरेंट्स है जो मम्मी पापा है वो काफ़ी आश्चर्य किए इस बात पे, ये ऐसा क्या हो गया पैट्रिक के साथ कि वो फर्स्ट आ गया, ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब वो मॉडल किड बन गया था, अब वो मॉडल किड बन गया था। क्लीन्ड हिज रूम, वो अपने रूम को क्लीन किया, डिड हिज कोडस, वॉज चेयरफुल, नेवर र्यूड लाइक द हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, अब वो पूरी तरह से चेंज हो गया। कोडस कहने का मतलब हो गया डेली जो वर्क है वो काम किया, अपने घर को साफ किया, वो कभी गुस्सा नहीं करता था, हमेशा उत्साहित रहता था, यानी कि उसका सारा एटीट्यूड ही चेंज हो गया, बदल गया, वो अपने आप से चेंज हो गया, ऐसा क्या हो गया उसके साथ। यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही वुड मेड दैट टीनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि पैट्रिक अभी भी मन में सोच रहा था कि वो सारा होमवर्क जो है उसी लिटिल एल्प से बनवाया है, अभी भी उसके दिमाग में। बट आई एल शेयर ए सीक्रेट, लेकिन मैं एक शेयर करना चाहता हूँ, एक सीक्रेट तुमसे बताना चाहता हूँ, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, वो हमारे और मतलब कि जो लेखक है वो और जो विद्यार्थी है उनके बीच की ये बात है। इट वॉजेंट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, सच बात तो ये है कि पैट्रिक खुद से अपना होमवर्क बनाया है ना कि एल्फ बनाया, बात तो सही है, इसलिए पैट्रिक ने अपना होमवर्क बनाया है क्योंकि एल्फ को कुछ आता ही नहीं था तो वो उसका होमवर्क बना कैसे सकता था। एल्फ सिर्फ मदद किया, उसको परेशान किया ताकि वो पढ़े, और सारा पढ़ाई एल्फ ही किया क्योंकि डिक्शनरी से वर्ड ढूंढना, सॉरी सारा पढ़ाई जो है पैट्रिक ही किया, डिक्शनरी से वर्ड ढूंढने का काम इसी को मिल गया पैट्रिक को, बुक्स लाना इसी का काम हो गया, उसके साथ पढ़ना पढ़ के सुनाना इसी का, यानी कि एल्फ ने इसे बुद्धू बनाया, सच बात तो ये है, और बुद्धू बना के जो उसे खटना था, जो उसे मेहनत करना था उसके बदले इसे ही मेहनत करा के चला गया, लेकिन एल्फ अच्छा प्राणी था जो कि पैट्रिक को अच्छा मार्क्स लाने में मदद कराया इसी से मेहनत करवा के। तो कैरल मुरे ये जो राइटर है इसके वो थे। इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर है, उस क्वेश्चन आंसर्स के साथ जो है अगर आप कहें तो मैं अभी ही डील कर दे रहा हूँ। व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वाज प्लेइंग विद, वाज व्हाट वाज इट रियली, तो मैं अगले बार इसके साथ आऊँगा, आज बस इतना ही रहने देते हैं क्वेश्चन आंसर के साथ। अगले बार आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको मिले, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू अगेन।